शांति जी, अरे टिफिन तैयार हो गया हो तो ले आइए, देर हो रही है भाई। अरे ला रहे हैं, रुको जरा। अरे और कितना रुके भाई, कब से तो रुके हुए हैं, अब तक आपका टिफिन नहीं बना। ये लो। ये कब हुआ? लो फिर और सुन लो, तुमने तो कहा था तैयार करके ले आओ, तो ले आए तैयार करके। शांति जी आपका दिमाग काम कर रहा है, इस तरह से टिफिन तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया है ना ये हमारा मन ही जानता है, गुस्सा बहुत आ रहा है हमको। या अल्लाह ये क्या है? ये शांति जी ने टिफिन तैयार किया है। शांति जी हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है भाई, इस तरह से कौन टिफिन तैयार करता है। लो फिर और सुन लो, ये तुम्हारी बेटी पूजा नहीं तैयार किया है, तब से मार लेके इसको बे बी बे बी बे बी खेले जा रही थी। अरे हमको भी घर के 10 काम होते हैं भाई, हमको सब्जी काटनी है, छौका लगाना है, हमको आटा मारना है, कितने सारे काम है हमारे सर के ऊपर, और तब से मार पीछे पड़े हुए। एकदम टिफिन तैयार हो गया, टिफिन तैयार हो गया। अरे इतने समय में ऐसे ही तैयार होता है बस। अरे तो भाई इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, सीधे सीधे कह देती खाना नहीं बना है। हाँ नहीं बना है, और ये इसीलिए किया ताकि आगे से तुमको भी याद रहे। अरे एक तो हमारी तबीयत नहीं ठीक है वैसे ही, और सुनो पारो बता रही थी हमको कि वो जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, उससे बहुत भारी डिस्काउंट मिल जाता है खाने पे। अरे पूरे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। वो जो रेस्टोरेंट नहीं है अपने घर के पास, वो क्या नाम है उसका, बावर्ची। हाँ। उससे 160 रुपए की थाली केवल 65 रुपए में मिल रही है। 160 वाली थाली 65 में? ये तो सुना था कि क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इतना मिलता है ये नहीं पता था। हाँ भैया जी, क्रेडिट कार्ड वाले होटल वालों के साथ मिलके ऐसी ऐसी स्कीमें निकाल रहे ना कि हम अब लोगों के घर में खाना बनाने नहीं, सिर्फ ऑर्डर करने जाते हैं। अच्छा। हाँ, और पता है क्योंकि उनको वो ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता ना, तो हम उनके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और बदले में अपनी तनख्वाह ले लेते हैं। ये सही है, ऑर्डर करने की तनख्वाह, भाई ये क्रेडिट कार्ड सही है। क्या हुआ? चले, तुम्हारे यहाँ खाना बना है? हाँ मिया, हम तो रोज खाते भी हैं। हाँ तो हम भी रोज खाते हैं, कोई महीने में 2 बार नहीं खाते हैं, और जितना पूछा करे उतना बताया करो, समझे? हाँ भैया उतना ही जवाब दिया है। ठीक है चलते हैं। शांति जी दुकान के पते पर खाना ऑर्डर कर दीजिएगा। हमें नहीं आता ऑर्डर। क्यों मिया क्या हुआ, आज घर पे खाना नहीं बना क्या? तो हम क्यों पूछे थे? पारो तुम ऑर्डर कर देना। ठीक है भैया जी, आपके पहुंचने से पहले खाना पहुंच जाएगा। मिया बच्चा तो ले लीजिए अपना। ओ मिया। अरे मिर्जा क्या तो खाना है, वो भी कितने कम पैसे में। मजा आ गया भाई, क्रेडिट कार्ड की जाए हो। मियां हमारी बेगम को ना पारो क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम बताना भूल गई शायद, वरना हम भी आपकी तरह चटकारे लेकर खा रहे होते। अरे यार मिर्जा कैसी बात कर दी, इतना तो सब एक्स्ट्रा खाना आया है, और खाओ। बचेगा तो कुत्ते ही खाएंगे, खा लो ना। मियां ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अच्छा सब ये भी तो ज्यादा हो रहा था, जब हमने कितने प्यार से पूछा था तो तुमने क्या जवाब दिया था, हम तो रोज खाते हैं खाना। अब खाओ करेला। वैसे एक बात है मिर्जा, अगर तुम्हारी बेगम हमारी बीवी की तरह समझदार होती ना, तो आज तुम भी बावर्ची रेस्टोरेंट का खाना खा रहे होते। अब खैर छोड़ो, कल मंगवा लेना, आज तो करेला खाओ। लेकिन एक बात है, बहुत सही चीज है क्रेडिट कार्ड, भैया मान गए। बड़ा लजीज खाना है। देखो ये इधर, ये बंद है, हमको लग रहा है इसमें मीठा है। खोल लीजिए ना मियाँ, उसमें कौन सा अली बाबा का खजाना होगा। भूखे हो। पनीर। हाँ भैया सब लोग यहाँ आ जाओ फटाक से। ओ क्या बात है बिट्टू, ये सबको क्यों बुला रहे हैं, कोई मदारी का खेल दिखाने वाले हैं क्या? तुम बंदरिया बन के अगर नाचो भाई जी मिर्जा तो हम डमरू बजा के मदारी बन जावे। वैसे हम इसलिए इन लोगों को बुला रहे थे कि सभी सम्मानित लोगों के क्रेडिट कार्ड आ गए, वो देने थे। क्या सबके क्रेडिट कार्ड आ गए? यार बड़े जलनखोर आदमी हो, सबके क्रेडिट कार्ड आ गए का क्या मतलब है? सभी सम्मानित लोगों के क्रेडिट कार्ड आ गए हैं। तुम लोगों के घर में तुम्हारी बीवियों के भी तो एक एक क्रेडिट कार्ड आ गया है ना? एक घर में एक ही होता है बस। हमारा मतलब है कि सिर्फ हम दोनों के नहीं आए, सबके आ गए। ये इन आशिक मजनू इनके भी आ गए। अबे बिल्कुल वही हो क्या यार, हम दोनों क्या होता जब हमने कह दिया कि सभी सम्मानित नागरिकों के आ गए, तो तुमको अपना नाम जोड़ना ही नहीं चाहिए। हम दोनों, तुम लोग कहीं से सम्मानित हो क्या? अबे इन दोनों के तो VIP कार्ड आए हैं। अबे भैया तुम लोग हफ्ते में एक बार किसी भी टाकीज में फ्री पिक्चर देख सकते हो, और इंटरवल में ये हलब्बी डब्बे में पॉपकॉर्न मिलेंगे। रिंकू को लेके जाओ, खाओ जाके। अरे फिर तो हम हर हफ्ते पिक्चर देखने जाएंगे। अब हर हफ्ते जाएंगे। चाय कौन बनाएगा बे? बेबे कौन होता है मिर्जा? अरे मेरा मतलब मालिक, अब बेबे करके बात ना कीजिए। आप किसी अहरे गहरे से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और आपका उस क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो जो क्रेडिट कार्ड धारक होता है ना, उसे तमीज से बात कीजिए। अब ठीक करा लिए ना अपनी बेइज्जती। लड़का इतनी देर से भरा बैठा था लेकिन चुप था, तुमने उसको उकसाया, अब उसने इस तरह से बात की। अब ठीक हो ना? आप क्या हंस रहे महाराज? खाना खाने में दिमाग लगाइए। कहीं बैंक ने हंसते हुए देख लिया ना तो क्रेडिट कार्ड तो दूर, आपका राशन कार्ड भी छिन जाएगा। अरे भैया ज्यादा खीसे ना बोलिए। बड़ी खुशी की बात है कि हम सबका क्रेडिट कार्ड आ गया है। तो हम मिर्जा भाईजान सबके मुंह पे गर्मा गर्म चाय मारिए, पेमेंट कार्ड से होगी ये बात। अब मिश्रा जी एक जोड़ा पान बनाई हम सबके लिए, एक खाएंगे घर ले जाएंगे, पेमेंट कार्ड से होगी। बे कूड़े, तुम नाम के कूड़े हो, कम से कम काम के तो साफ सुथरे हो जाओ बे। अब तुम चाय का, पान का, पकौड़ी का भी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करोगे। इसका मतलब आप लोगों को क्रेडिट कार्ड चलाना नहीं आता है, उसकी हम अलग से कोचिंग देंगे। 500 रुपया लेंगे समझ लो। नेताजी देखिए ऐसा है, हम पढ़े लिखे। अरे 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 हम सही में पढ़े लिखे हैं भाई। देखिए ऐसा है, आप कार्ड दीजिए, कैसे इस्तेमाल करना हमें आता है। बिट्टू भैया पढ़े लिखे अम्मी, हमें भी आता है कैसे यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड। वो तो बस इन दोनों को छेड़ रहे थे। छेड़ तो तुम रहे हो डॉक्टर कूड़े, लेकिन अगर हम छिड़ गए ना तो तुमको तुम्हारी मम्मी याद आ जाएंगी, बताए दे रहे हैं। वो कैसे? मिर्जा इनको बता दें वो कैसे। हाँ बता दीजिए। नहीं सुनो हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम बता दें इनको। बता दीजिए ना। अरे समझो तो हम क्यों कह रहे हैं यार, क्या हम बता दें इनको? मत बताइए ना। जाओ तुम हाथ बच गए, जाओ। अरे डरो नहीं, नल्ले हैं दोनों। क्रेडिट कार्ड तो मिल नहीं रहा है तुमको, क्या करेंगे? आओ डरो नहीं, आओ। आओ ना। यार मिर्जा हमारे अलावा सबका क्रेडिट कार्ड है, बन गया। हाँ मियाँ बड़ी ताज्जुब की बात है, जबकि इस पूरी मंडली में हम ही दोनों ऐसे शख्स हैं जो अच्छे से काम धंधा करते हैं, और हम दोनों का ही नहीं आया कार्ड। इसीलिए तो बैंक वाले बाद में छाती पीटते रह जाते हैं। अरे गहरे नत्थू खैरे को उठा करके क्रेडिट कार्ड बना करके दे देते हैं। फिर यही अरे गहरे नत्थू खैरे इनका पैसा ले जाकर विदेशों में बैठ जाते हैं मियाँ, और इनके हाथ में पकड़ा देते हैं कटोरा। यहाँ बद्दुआ लगेगी हम दोनों की, इन बैंकों को लगेगी ही लगेगी। अरे हमारी ससुराल है झलवा में, वहाँ भी एक बेरोजगार है, उसको भी उठा करके क्रेडिट कार्ड बना करके दे दिया। बेरोजगार आपके ससुर? अरे नहीं यार, वो नौकरी करते थे, पेंशन पा रहे हैं। ओ, फिर कौन? हमारे ससुराल के ठीक बगल में एक लगा हुआ घर है, वहाँ एक आदमी है बेरोजगार, उसका भी बना करके दे दिया। अब दिन भर शांति जी उसका भी ताना हमको मारती हैं। मियाँ जलवा है, जलवे का वैसे शांति भाभी तो उसको भी ताना मारती है ना, प्रकाश आटा चक्की वाले का। तुम उसका नाम काहे ले रहे हो? ये ऐसी याद आया, हमें लग रहा है मियाँ उसका भी कार्ड आ गया। हाँ हाँ मियाँ आ सकता है ना, उसकी तो 4-4 आटे की चक्कियाँ हैं। ए भैया रोको, गाड़ी रोको। अरे मियाँ गाड़ी रोको भैया। अरे क्या हुआ क्या हुआ? चलो उतरो। क्यों उतरो तुम? अरे मियाँ क्या हुआ क्या हुआ? क्या क्या मतलब है यार? प्रकाश आटा चक्की वाले का नाम क्यों रट रहे हो? ए, अब निकल गया मुंह से मियाँ। यार तुम काहे नहीं समझते हो यार, हमको ये सब नहीं पसंद है ना प्रकाश आटा चक्की वक्की वाला यार। अरे हम कहे तो काहे नहीं मान रहे, उतर जाओ। अच्छा ठीक है अब नहीं उतरो ना, अब नहीं। हटो अच्छा हटो। अरे मियाँ हटो। अरे मियाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे भैया बिठा लीजिए, बेचारे रोते रोते जा रहे हैं। मियाँ बैठिए ना, आई आई अब नहीं लेंगे कसम खुदा। बैठेगी नहीं मिर्ज़ा बता रहे हैं। आई आई बैठिए ना बैठिए। अब नाम लेओगे नहीं तुम उनका? कसम खुदा की कभी नहीं लेंगे। आई आई कभी नहीं लेंगे। क्या हुआ दादाजी, बड़े परेशान दिखाई दे रहे? अरे परेशानी की बात तो है ही है, आज एक भी फोन नहीं आया किसी के मरने का। मरने का? और तो क्या, अरे रोज कम से कम 4-5 फोन आते थे किसी न किसी के मरने की खबर वाले, लेकिन आज सवेरे से एक भी फोन नहीं आया। तब तो ये अच्छी बात हुई ना। सब नजरिए की बात है बेटा। बहुत से अरे ये तो बॉडी सीधे घर क्यों ले आए? शमशान लेके जाओ भाई। चाचा ये बॉडी नहीं है, फ्रिज है। फ्रिज? फ्रिज किसने मंगवाया? अरे आ गया बाबूजी, देखिए अभी केवल हमने 2 घंटे पहले ही ऑर्डर किया था और आ भी गया। तुमने बुलवाया फ्रिज? हाँ बाबूजी, अपने क्रेडिट कार्ड से मंगवाया। ये क्या है? ये बाबूजी टीवी है, हमने मंगवाया। अरे क्रेडिट कार्ड से? टीवी तो पहले से था घर में ना सकीना। अम्मी जान नहीं नहीं, आपके वाला टीवी तो पुराना हो गया था ना, तो हम अपने कमरे का टीवी आपको दे देंगे और ये नए वाला हम अपने कमरे में लगा लेंगे। बस यहाँ पे इधर से जाइए। भैया ये हमारा फ्रिज भी जरा हमारे किचन तक पहुँचा देना, ऊपर ऊपर। जी मैडम। हाँ हाँ आराम से आराम से, टीवी संभाल के। हाँ फ्रिज संभाल के ले जाना। ऐसे ही। अरे ये सब क्या है? ये टीवी फ्रिज कहाँ से आया है? पापा टीवी सकीना आंटी ने और फ्रिज मम्मी ने मंगाया है। हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्रेडिट कार्ड है कि मुफ्त का कार्ड है? बाद में पैसे भी तो भरने पड़ेंगे ना। हाँ यही तो हम भी पूछना चाह रहे थे। लो फिर और सुन लो। अरे हम कोई बेवकूफ थोड़ी है जो ऐसे ही कुछ भी मंगा लेंगे। अरे पारो से पूरी जानकारी लेने के बाद ही हमने मंगाया है और महीने के केवल 2000 रुपए की किस्त आएगी। हाँ मियाँ बस 2000 की ईमी तो भरनी है महीने में, ठीक है ना? हाँ बेगम 2000 की तो बहुत सही है ईमी, EMI। 2000 रुपए तो दिए जा सकते हैं भाई, आराम से पैसा कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वेरी गुड शादी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा इस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं अम्मी जान, एक भी पैसे का ब्याज नहीं लगेगा। अच्छा तब ठीक है। और क्या, तभी तो लाए। लेकिन 2000 रुपए तो देने पड़ेंगे ना हर महीने। अरे बाबूजी 2000 तो दिए जा सकते हैं, लेकिन सोचना ये है कि इससे फायदा क्या है, थोड़ी दूरदर्शिता रखिए। बाप है हम तुम्हारे, 30 साल बड़े हैं तुमसे, हमको बताएंगे दूरदर्शिता। हरिवंश हरी 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 हरी। ठीक है फिर, जैसी आप लोगों की मर्जी कीजिए। भैया लोग कार से आए हैं। कमाल है मियाँ, जितना हमने अपनी खुद की दुकान पे बैठ के नहीं कमाया, उससे ज्यादा इन्होंने हमारी दुकान पे काम करके ही कमा लिया। हाँ कमा लिया। आपकी दुकान से जितना पैसा मिलता है ना, उसके लिए हम दोनों को 21 जना और लेना पड़ेगा, तब जाके खरीद पाएंगे। और ये कार हमने क्रेडिट कार्ड से लिए। हाँ। तो मियाँ फिर इसकी EMI भी आपने 21 जन्मों के लिए ही कराई होगी। पढ़ी लिखी बातें करिए, 21 जन्म के लिए कौन EMI देता है। ओहो, तो अगर इसी जन्म में चुकानी है तो हमारी दुकान से ही चुकाएंगे ना आप। और हमारे दुकान के गल्ले पे डाका डालोगे? छी, ऐसी बात करते हैं आप। अरे हम कार वाले लोग हैं, कोई सड़क छाप नहीं। हाँ तो भैया कार वालों, ये भी बता दो कि इसकी EMI कैसे चुकाओगे। वो ऐसे चुकाएंगे कि ये कार हम दोनों ने मिलके सेकेंड हैंड और सस्ती ली है, कभी कभी इसको किराए पे दे देंगे ताकि इसकी EMI आसानी से निकल जाए। बहुत सही, इस तरह से तो 1 से 2, 2 से 4 गाड़ी हो जाएंगी तुम्हारे पास। और एक दिन आएगा कि तुम लोग ये और ये दुकान ही खरीद लोगे बे। थैंक यू बिट्टू भैया। थैंक यू। देखिए बिट्टू मियाँ, आप इन लोगों को ज्यादा मत चढ़ाइए। भाईजान बिट्टू भैया चढ़ा नहीं रहे, सही कह रहे हैं। क्रेडिट कार्ड ने तो हम लोगों का जीवन बदल के रख दिया है। म्यूजिक BBC। बंद कर दे, बंद कर। वैसे आप दोनों की जानकारी के लिए बता दें कि नेताजी हम लोगों को गोवा भी ले जा रहे हैं। गोवा ये ले जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे ऑफर है, 12 महीने में पैसे चुकाओ, गोवा जाओ। म्यूजिक। शोर मचा रखा है नामकूल कहीं के। वैसे बिट्टू मियाँ देखिए, आप तो झोल झपाटा करके EMI चुका भी देंगे, लेकिन ये देखिए जो गाड़ी के अंदर बैठे, इनकी शक्लें देखिए, ये क्या चुका पाएंगे? एक मिनट, क्या ऐसे आप एक प्रतिष्ठित पत्रकार और डॉक्टर की बेइज्जती नहीं कर सकते? यस। गुस्सा आ गया तो छाप देंगे, बता रहे हैं। अबे लड्डू छाप दोगे? आज तक हमने इनकी कोई खबर छपते नहीं देखी है। छाप देंगे बोलने से छप नहीं जाती मियाँ। अबे ऐसा है भैया, यहाँ फालतू समय ना खराब करो। गोवा चलने के लिए हम लोगों को खरीदारी भी तो करनी है, एक हैट, एक हाफ पैंट, एक T-शर्ट, लाल मोजे। चलो बे, कोई कहीं नहीं जाएगा समझे। चल सुपाली काट, चल। और आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए दुकान पे चाय बनाइए। आशिक मजनू ब्रो, गाड़ी ले जाए शॉपिंग के लिए। चला पाओ तो ले जाओ। ओके। सुनो, बिना स्क्रैच के वे लौटाना। ओके ब्रो। आइए बिट्टू भैया चले। एंजॉय बिट्टू भैया। जरा जी दरवाजा खोलिए जरा। क्या है, नहीं खोलोगे? हम खोल लेंगे। एंजॉय बिट्टू भैया। ये चश्मा उतार के बनाइए चाय। मिश्रा जी, मिर्जा जी, आपका खत आया है, यहीं पे दे दें कि घर पे? मियाँ जब यहाँ आ गए तो यहीं दे दीजिए ना। हाँ? 40,000 का बिल। 40? लाहौल बिलाकुवत मियाँ, आपका 40 का है, हमारा 45,000 का है। ये मिर्जा इतना इतना बिल भरेंगे कैसे? मम्मी इतना बिल तो हमने अपने निकाह की बारात में ही देखा था। मिर्जा बीवियों से बात करनी पड़ेगी, नहीं ये हमारा दिवाला निकाल देगी। कई पन्ने का है? 3।